चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग के थिंक टैंक के ओहदेदार गाओ ज़की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इक्तदार में आने के बाद इमरान खान को बेहतरीन दोस्त की तरह समझा जाएगा। वो चीन आएंगे, उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के आने वाले नतायज की हिमायत की और इंतखाबी अमल को तसल्ली बख्श करार दिया। गाओ ज़की का कहना था कि ये बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान में इंतखाबात बगैर किसी रुकावट के इख्तिताम पज़ीर हुए। चीन ने इमरान खान का भारत से मुतालिक बयान हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रख कर आपस के ताल्लुकात को मुस्तहकम कर सकते हैं। चीनी थिंक टैंक के ओहदेदार का कहना था कि जहां तक भारत से ताल्लुक की बात है तो चीन और भारत आपस में राबते बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल सी पैक के हवाले से चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि हमें यकीन है कि सी पैक मनसूबे को पाकिस्तान में हमागीर हिमायत हासिल है, इसलिए ये मंसूबा किसी रुकावट के बगैर आगे बढ़ता रहेगा।